हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों के बारे में। इन फिल्मों का बजट क्या था, इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। साल 2010 की इश्किया मूवी जो दसवें पायदान पर रही 29 जनवरी 2010 को रिलीज हुई। बजट इसका रहा 19 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई करी 22 करोड़ 11 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। साल 2010 की नौवे पायदान की मूवी है 30 मार खां 24 दिसंबर 2010 को रिलीज हुई। इस मूवी का बजट 45 करोड़ रहा। इस मूवी ने कमाई करी 60 करोड़ 58 लाख की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। साल 2010 में 8वें नंबर पर कमाई करने वाली मूवी रही पीपली लाए 13 अगस्त 2010 को रिलीज हुई। बजट रहा 14 करोड़। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 29 करोड़ 29 लाख और ये मूवी हिट रही। 2010 की अगली मूवी आई 7वें पायदान की आई हेट लव स्टोरी 2 जून 2010 को रिलीज हुई। बजट रहा 23 करोड़। इस फिल्म ने कमाई करी 43 करोड़ 47 लाख की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 2010 की अगली मूवी आई 6वें पायदान पर वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 30 जुलाई 2010 को रिलीज हुई। इस मूवी का बजट रहा 35 करोड़। इस मूवी ने 58 करोड़ 26 लाख रुपए कमाई करी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल की 5वें पायदान की मूवी आई हाउसफुल 30 जून 2010 को रिलीज हुई। इस मूवी का बजट रहा 47 करोड़। इस मूवी ने कमाई करी 72 करोड़ 24 लाख की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सन 2010 में 4थे पायदान की मूवी रही माई नेम इज खान 12 फरवरी 2010 को रिलीज हुई। इस मूवी का बजट रहा 85 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया 72 करोड़ 82 लाख रुपए। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। साल 2010 की तीसरे पायदान की मूवी रही राजनीति 4 जून 2010 को रिलीज हुई। बजट रहा 61 करोड़ रुपया। कमाई करी 92.37 करोड़ रुपया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस साल की दूसरे पायदान की मूवी रही गोलमाल 5 नवंबर 2010 को रिलीज हुई। इस मूवी का बजट रहा 50 करोड़ रुपया। इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया 108.6 करोड़ रुपया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। और 2010 की नंबर एक पायदान की मूवी रही दबंग 10 सितंबर 2010 को रिलीज हुई। बजट रहा इस मूवी का 41 करोड़ रुपया और इस मूवी ने कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया 141.24 करोड़। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।